हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल VDPS एंड गुरु लेक्चरर। आज मैं क्लास सिक्स चैप्टर सेकंड कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैं इसके पहले वीडियो में आपको चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम वो पूरा का पूरा रीड करवा दिया हूँ और उसका पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दिया गया। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाके देख लीजिए। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड, क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर सेकंड का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी भोजन में अवयव या तत्वों के बारे में जानेंगे कि भोजन में कौन कौन से अवयव तत्व पाए जाते हैं। देखिए, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जान चुके थे फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन कहाँ से आता है। अब जानेंगे भोजन में अवयव के बारे में, कंपोनेंट के बारे में कि फूड में कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है। चलिए देखते हैं, लिखा पॉइंट नंबर वन, लिखा हूं इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड आवर बॉडी। कह रहा है इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट, जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो क्या करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स अपने साथ रखते हैं जो क्या हो चाहिए हमारे बॉडी को, क्या है एसेंशियल है यानी नीडेड है, यानी हमारे बॉडी को आवश्यक है। तो मैं बताया था, अगर इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं पता है तो पहले चैप्टर में देख लीजिए। इंग्रेडिएंट्स बताया था, किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए जिन मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है उसे बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, है ना। तो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंपोनेंट्स कंटेन करते हैं अपने साथ, कुछ कंपोनेंट्स रखते हैं जो कि हमारे बॉडी को क्या है, जरूरत है। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और ये जो कंपोनेंट्स है उसे कहते हैं पोषक तत्व, यानी इंग्रेडिएंट्स होते हैं कुछ कंपोनेंट अपने पास रखते हैं जो हमारे बॉडी को आवश्यक है और उसी कंपोनेंट्स को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसके बारे में, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम, यानी मुख्य रूप से जो पोषक तत्व कितने होते हैं, देखिए पहला कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट विटामिन एंड मिनरल्स, यानी न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे भोजन में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स, ये होता है। इसके बाद इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर, और जो फूड होता है वो इन पांचों न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी क्या करता है, डाइट्री फाइबर्स और वाटर भी क्या करता है, कंटेन करके रखता है। विच आर ऑल्सो नीडेड आवर बॉडी, जो कि क्या है हमारे बॉडी को आवश्यक है। देखिए नोट पॉइंट पहला लिखा हूं, द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सुगर्स, यानी जो मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारे भोजन में किस फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च और सुगर्स के फॉर्म में पाया जाएगा। अगर मैं पूछूं कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेन कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में हमारे भोजन में पाया जाता है, तो बताएंगे स्टार्च एंड सुगर्स। हाउ टू चेक स्टार्च प्रोटीन्स एंड फैट्स इन द फूड, क्या आप चेक, नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू कैसे जांच करेंगे कि किस भोजन में स्टार्च पाया जाता है, किस भोजन में प्रोटीन्स और किस भोजन में फैट्स पाया जाता है, कैसे चेक करेंगे, कैसे जांच करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना है, स्टार्च मतलब देखिए द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द आवर फूड द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स है फूड में किस फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च और सुगर्स के फॉर्म में, यानी जब मैं बात करूँ स्टार्च या सुगर्स की तो बात यानी हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स की। ये आपको याद होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स भोजन में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो स्टार्च और सुगर्स के फॉर्म में पाया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे जांच करेंगे, टेस्ट फॉर स्टार्च, यानी भोजन में स्टार्च कैसे चेक करेंगे, टेस्ट फॉर स्टार्च यानी स्टार्च की जांच कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हूँ फर्स्ट जो स्टेप है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, आपको क्या करना है कुछ मात्रा में फूड आइटम्स को ले लेना है, या आर रॉ इंग्रेडिएंट्स, या तो आपको क्या कच्चा इंग्रेडिएंट्स लेना चाहिए, यानी इंग्रेडिएंट मतलब जो भोजन है आपका, जिस भोजन को ले रहे हैं वो इंग्रेडिएंट भोजन किन किन मटेरियल से मिलकर बना है उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे मैंने बताया था आपको क्या बनाना है, सब्जी बनाना है तो आलू की सब्जी बना रहे हैं तो पोटैटो चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, वाटर चाहिए, इसके बाद साल चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, ये क्या है इंग्रेडिएंट्स। नहीं देखे आप लोग फर्स्ट चैप्टर तो उसको देख लीजिए, आपको पूरा पहला चैप्टर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आपको समझ में आएगा। तो इंग्रेडिएंट्स समझ में आ गया, तो कह रहा है कि आपको क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स आर रॉ इंग्रेडिएंट्स, आपको कुछ मात्रा में क्या करना है भोजन लेना है और कुछ या तो कच्चे इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए। और फिर सेकेंड है पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, और उसमें क्या करना है आपको पुट 2-3 ड्रॉप्स यानी 2-3 बूंद क्या करना है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उस पर क्या करना है गिराना है ना,
फिर द कलर ऑफ फूड आइटम्स चेंज ब्लू ब्लैक। और तब क्या करेंगे, जब डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन आप गिराएंगे तो उसके बाद देखेंगे क्या जो फूड आइटम्स है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। किस कलर में हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग चेक कर रहे हैं, मान लो पोटैटो है, POTATO पोटैटो है मान लो ये, तो पोटैटो आप लोग इंग्रेडिएंट्स है तो उसको लीजिए और उसको क्या करिए, काट दीजिए। काटने के बाद ये जो कटा हुआ भाग है पोटैटो का, तो इस पर हम क्या करेंगे, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन कितना करेंगे, दो तीन ड्रॉप्स पे क्या करेंगे, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। तो देखेंगे इसका जो कलर होगा किस कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो कहेंगे इसमें क्या है, स्टार्च है। ठीक, तो देखिए नोट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, अब ब्लू ब्लैक कलर यानी ब्लू ब्लैक जो कलर है इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च, यानी ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करता है किसको, कि जो भी फूड आइटम्स को चेक करें अगर उसमें ब्लू ब्लैक कलर दिखा रहा है ब्लू ब्लैक, तो वो क्या रखता है अपने साथ, स्टार्च को लेकर रखता है ना, तो उसमें स्टार्च होता है। समझा, तो ऐसा फूड आइटम्स या इंग्रेडिएंट्स जिसपे 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन गिराने पर उसका जो कलर है ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो समझिए उस भोजन में क्या है, स्टार्च है। स्टार्च है यानी कार्बोहाइड्रेट्स है। देखिए मैं बताया था पहले ही कि द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सुगर्स, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स है भोजन में मुख्य रूप से किस फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च और सुगर्स के फॉर्म में पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू चेक प्रोटीन, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स का जांच कैसे करें। अब देखिए फूड आइटम्स को में किसी भी फूड आइटम्स में प्रोटीन की जांच कैसे करेंगे, तो देखिए जांच करने का तरीका यहाँ पर स्टेप पर कुछ, इसको इस स्टेप को आप लोग फॉलो करेंगे, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए पहले क्या करना है, पहला पॉइंट लिखा है ग्राइंड आर मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। आपको क्या करना है, कुछ क्वांटिटी में आपको फूड आइटम्स लेना है। कैसा फूड आइटम्स लेना है, ग्राइंड आर मैश यानी पिसा हुआ है ना, या मसाला हुआ थोड़ा सा फूड आइटम्स लेना है आपको। ठीक, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। क्या करना है आपको, अब क्या करना है, क्लीन टेस्ट ट्यूब यानी एक साफ परख नली ले लेनी है और उसमें क्या करना है, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और उसमें 10 ड्रॉप्स क्या करना है, वाटर डाल देना है। ओके, फिर इसके बाद थर्ड स्टेप करना है सेट द टेस्ट ट्यूब, यानी टेस्ट ट्यूब आपने ले लिया, उसमें ग्राइंडर मैश फूड आइटम्स ले लिया, उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डाल दिए। अब इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे, यानी सेट करना है, हिलाएंगे उसको है ना, हिलाएंगे। इसके बाद चौथा स्टेप है एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। अब क्या करेंगे, उसमें और भी 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन यानी 2 ड्रॉप्स क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालेंगे एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और उसमें 10 ड्रॉप्स और किसका सोल्यूशन डालेंगे, कास्टिक सोडा का 10 ड्रॉप सोल्यूशन डालेंगे उस टेस्ट ट्यूब में यानी परख नली में। ठीक, इसके बाद सेक अ वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। आपको क्या करना है, उस जो टेस्ट ट्यूब है मिलाने के बाद सब उसको वर्क करना है, सेक कर देना है। सेक करने के बाद सेक वेल अच्छी तरीका से पूरा हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। इसके बाद लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड, कुछ समय के लिए टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, स्टैंड कर देना, छोड़ देना, रख देना कुछ समय के, कुछ मिनट के लिए। इसके बाद देखिए द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब में आपका जो कंटेंट है यानी जो मटेरियल आपका, वो इसमें टर्न हो जाएगा, किसने बदल जाएगा, वायलेट कलर में। किस कलर में, वायलेट कलर यानी बैंगनी कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो देखिए और नोट ये लिखा है अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन्स इन द फूड आइटम, यानी किसी भी फूड आइटम्स को अगर किस कलर में चेंज हो रहा है, वायलेट कलर में चेंज हो जा रहा है, तो यानी उसमें क्या प्रेजेंस है, फूड आइटम्स में प्रोटीन्स प्रेजेंस है, यानी इस भोजन में क्या रहेगा, अगर वायलेट कलर हो जाएगा तो उस भोजन में क्या रहेगा, प्रोटीन्स होगा। ठीक, तो देखिए कैसे करना है एक बार और शॉर्ट में जानते हैं। देखिए प्रोटीन जांच करने के लिए आपको पहले क्या करना है, एक परख नली लेना है ना, एक आपको टेस्ट ट्यूब ले लेना है। इसके बाद टेस्ट ट्यूब लेने के बाद उसमें कुछ क्या करना है, ग्राइंड और मैश भोजन डालना है ना, ग्राइंड एंड पिसा हुआ कुछ मैश किया हुआ फूड आइटम डालना है। इसके बाद उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वाटर डालेंगे कितना, 10 ड्रॉप्स। इसके बाद वाटर डालेंगे टेस्ट ड्रॉप को, इसके बाद इसको सेक कर लेना है, इसके बाद इसको हिला लेना है। इसके बाद एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप्स इसमें क्या डालना है, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट डालना है, क्या डालना है, कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट डालना है एंड 10 ड्रॉप्स, और 10 ड्रॉप्स क्या डालना है,
10 ड्रॉप डालना है कास्टिक सोडा, क्या डालना है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा डालना है 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा और 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालने के बाद आपको क्या करना है, उसको क्या करना है कुछ समय बाद हिलाना है, कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस टेस्ट ट्यूब को, है ना। मिक्स करने के बाद आप कुछ समय बाद मिनट बाद देखेंगे तो उसका जो कलर है फूड आइटम का किस में चेंज हो जाएगा, वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा, यानी बैगनी कलर में चेंज हो जाएगा। तो यानी मैंने क्या किया, पहले एक परख नली लेना है, टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें क्या करना है मैस और ग्राइंड फूड आइटम्स डालना है, उसके बाद उसमें क्या करना है 10 ड्रॉप वाटर डालना है और उसको उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है सेक कर देना अच्छी तरीके से, फिर उसमें 2 ड्रॉप क्या डालना है कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप क्या डालना है कॉपर सल्फेट डालना है और 10 ड्रॉप क्या डालना है कास्टिक सोडा डालना है, और ठीक उसी प्रकार उसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेना उस टेस्ट ट्यूब को, और मिक्स करने के बाद कुछ समय के लिए स्टैंड कर दीजिए, रख दीजिए, उसका जो कुछ मिनट आप बाद देखेंगे तो इस जो टेस्ट ट्यूब में कंटेंट जो मटेरियल आपका डाला रहेगा वो क्या हो जाएगा वायलेट कलर का हो जाएगा, यानी उसमें जब वायलेट कलर का होगा तो आप बताएंगे कि उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंस है, यानी उसमें क्या मौजूद है प्रोटीन्स मौजूद है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हाउ टू टेस्ट फैट, नेक्स्ट टॉपिक टेस्ट फॉर फैट्स, यानी फैट्स की जांच कैसे करेंगे किसी भोजन की। देखिए भोजन में किसी फूड आइटम्स में फैट्स चेक करने का तरीका है, इन सब स्टेप्स को आपको क्या करना है फॉलो करना है। तो देखिए क्या करना है, पहले टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, क्या करना है आपको कुछ आइटम्स ले लेना है क्वांटिटी में, फूड आइटम्स फूड आइटम्स को चेक करना है, कुछ फूड आइटम्स को ले लेना है कुछ क्वांटिटी में, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, आपको क्या करना है एक क्या करना है पेपर का पीस ले लेना है और उसमें क्या करना है जिस फूड आइटम्स को चेक करना है उसमें क्या करना है रैप करना है, रैप करने के बाद उसे क्रश कर देना है, क्रश करने के बाद टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर, ये पेपर में फूड आइटम्स डाल रैप करने के बाद क्रश करने इस तरह करिए कि ये पेपर जो है फटे ना, है ना, ये ध्यान रखिए। फिर होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आपको क्या करना है इसके बाद इस पेपर को क्या करेंगे लाइट के विरोध विरुद्ध में, यानी लाइट के सामने क्या करेंगे होल्ड करेंगे खड़ा करेंगे। आर यू एबल टू सी द लाइट फैंटली थ्रू दिस पैच, क्या आप इस कागज से जो है तेन जो फैंटली रूप से इस प्रकार से जो लाइट सामने रख रहे हैं तो क्या लाइट का जो प्रकाश अनुकूल रूप से आपको दिखाई दे रहा है यानी क्या इसमें फैट्स है। तो देखेंगे नोट पॉइंट यही है कि एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट्स, यानी जो इस कागज पर जो ऑयली प्रकार का जो धब्बा है तेल का धब्बा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है इंडिकेट करता है कि फूड आइटम में क्या है फैट्स मौजूद है ना। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि फूड आइटम्स में फैट्स को कैसे चेक करना है, एक कागज लेना है पीस ऑफ पेपर और जिस भी भोजन में चेक करना है उस फूड आइटम्स को लेना है और उसमें लेने के बाद इसको क्या करना है रैप करना इस प्रकार है कि जो कागज है फटे ना, इसके बाद उसको क्रश कर देना है, क्रश करने के बाद आपको ये लाइट के सामने रखना है, इस प्रकार से रखने के बाद आप देखेंगे कि जो ये लाइट है इस प्रकार से देखने पर जो लाइट है फैंटली रूप से दिख रही है कि नहीं, अगर दिख रही है तो ठीक है, और ये तेल का धब्बा कागज पर दिख रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें फूड आइटम्स में क्या था फैट्स था। आई होप डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, इसके आगे का वीडियो पाने के लिए पार्ट 2 इस चैप्टर का आएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।